नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। बीते रविवार को दोपहर करीब 12 बजे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट झांसी स्टेशन को झांसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक बालक संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला, जिससे सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ की गई। उसके बाद बालक को चाइल्डलाइन के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बताते चलें कि 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट झांसी स्टेशन के उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह राजावत अपने हमरा उपनिरीक्षक सतीश लाठर के साथ गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक बालक संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला। सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम सुमित पुत्र फूलचंद्र उम्र 14 वर्ष निवासी ग्राम त्रिकोली थाना सुजानगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश बताया। बालक ने आगे बताया कि उसकी मां ने उसे 500 रुपये बाजार से सामान लाने के लिए दिए थे। सामान लाने के बाद 100 रुपये उसने वापस नहीं किए तो उसकी मां ने उसके साथ डांट फटकार कर दी, इसलिए तकरीबन 4 दिन पहले वह घर से भाग आया। बालक को समझा बुझा कर थाना रेल सुरक्षा बल झांसी स्टेशन लेकर उसे चाय नाश्ता करवाया गया और मामले से प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराया गया, जिनके आदेशानुसार उप निरीक्षक रविंद्र सिंह राजावत ने रेलवे चाइल्डलाइन झांसी की टीम को बुलाया। तब रेलवे चाइल्डलाइन झांसी से आए सदस्य राखी यादव व रेखा को उक्त नाबालिग बच्चे को तैयार सुपुर्दगी नामा के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सही सलामत सुपुर्द किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।